सबको नमस्कार। एक खबर ऑयल इंडिया लिमिटेड का नाम आपने सुना होगा, जो आसाम रीजन में ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन का लीडर है। तो मुझे प्लेन में जाते जाते जब दिल्ली जा रहा था तो काकीनाडा आसाम में आंध्र प्रदेश में ये ऑयल इंडिया का काम है। वहाँ से कहाँ से निकला तो व्यक्ति को बगल में मिला, क्या पोस्ट में है बताया, ऑयल लिमिटेड का परिचय है, वो जानकारी दिया अंडमान में क्या हो रहा है ऑयल इंडिया लिमिटेड का। उस परिचय लेके मैं नोएडा में गया, एमडी से मुलाकात किया, बातचीत किया, जो जानकारी मुझे था अमूल्य सब। उसके बाद गया बातचीत किया अंडमान में, अभी सरकार ऑयल का ड्रिल करेंगे, एक्सप्लोशन ड्रिल फर्स्ट टाइम अंडमान हिस्ट्री में। टेस्ट तो बहुत बार हुआ, रशियन कंपनी भी आया, सर्वे हुआ। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मोदी जी का अनुरोध पर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोकेमिकल हरप्रीत पुरी जी का माध्यम से इस कंपनी को अंडमान को एक्सप्लोर करने के लिए ड्रिल नॉर्वे से चालू हो गया। नॉर्वे से ड्रिल चल दिया, 15 अक्टूबर को फर्स्ट वेल हम लोग को ड्रिल शुरू होगा। ऐसा 4 का प्रोजेक्ट है, अभी 3 जगह एक्सप्लोर करेंगे, देखिएगा क्या निकलता है। उसमें बजट है उनका 2500 करोड़। ये ड्रिल ऑफशोर ड्रिल उन्होंने करेंगे, ज़्यादा गहरी समुद्र में नहीं, मीडियम में आएंगे, उसका काम शुरू होगा। और खुशखबरी है तो बड़ा कंपनी है, एमडी खुद ही बोला हम कुछ मदद करेंगे सीएसआर में, कंपनी का प्रॉफिट से शेयर करता है, सोलिड वेस्ट में काम करता है। तो बोला क्या है, सोलिड वेस्ट जो आपको है हमको दे दो, हम गैस बैंक दे देगा, वाट में लाइट चल जाएगा, उसके ऊपर बिजली बन जाएगा। तो मैं सी एस साहब पास करता था, इज एक्सेलेंट मैन, गुड मैन, ऑनेस्ट मैन, अंडमान खड़ा करने की कोशिश कर रहा था, वो रेफरेंस जाके मिला दिल्ली में हमको। तो उन्होंने लैंड मांगा, तो सी एस से बात किया, कल मैंने क्या में गया था, सी एस साहब बोला 3 वार्ड में लाइट मिलेगा, कि हमारा वो कम है, सोलिडस्ट कम है, जो सोलिडस्ट हमारा पास है 3 वार्ड में लाइट मिल सकता है। तो कितना लैंड देना वो बातचीत चल रहा है, ताकि इस ऑयल लिमिटेड से 3 या 4 वार्ड में कम से कम विद्युत तो फ्री मिलेगा गवर्नमेंट अंडमान निकोबार को, कितना सोलिड वेस्ट है वो बढ़ते रहेगा, ये लैंड का बात चल रहा है। सी एस साहब देखता है, मैंने 10 एकड़ मांगा, मैं जरूरत है 1 एकड़ का, वो बातचीत चलेगा, ये भी उन्होंने काम करेंगे। ऐसा बहुत सा कंपनीज है, मैं कोशिश करता बॉम्बे जाने के लिए कुछ कंपनी से बात करने के लिए, दिल्ली में बहुत सा कंपनीज है, इस कंपनी से कुछ सी एस आर फंड अंडमान में आए, बहुत सा काम कर लिया हम लोगों ने, उसका सब गवर्नमेंट का स्कीम्स है, इसका प्रोजेस्टा मैं कर रहा हूँ, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट खास करके हम अनुरोध करूँगा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, आपको अनुरोध करूँगा जो एनिम्स बनाया गया आप उसका चेयरमैन है, बोर्ड में सब ऐसे सर सब हालत क्या आप जानता है, कैसे चल रहा जान रहा है। मैं बातचीत शुरू कर दिया, कैसे संस्था अपना हाथ से जो नॉन क्वालिफाइड, नॉन टेक्निकल, नॉन मेडिकल डिपार्टमेंट का काम जानता नहीं, ऐसा व्यक्ति से मुक्त करके कैसा इसको अच्छा बनाए, विचार मैं कर रहा हूँ, विचार वार्ता चल रहा है, ओपनिंग नहीं करूँगा आज, कोशिश कर रहा हूँ इसको कैसे मुक्त करके भारत सरकार के माध्यम से मेडिकल कॉलेज हम आगे बढ़ाए, एक चिंता चल रहा है खास करके। और एक खबर है, म्यूनिसिपल चेयरमैन श्री सुदीप राय शर्मा जी 27 मजदूर को पार्क सेक्शन में कोई काम किया, 7 साल 8 साल 5 साल 6 साल बार कर दिया, नोटिस नहीं, कुछ नहीं, लेबर लॉ भी नहीं, फर्स्ट टर्म लास्ट गो वो भी नहीं, लास्ट टर्म फर्स्ट गो वो भी नहीं,
44 स्टाफ को नया भर्ती परमानेंट ऑनसाइट कर दिया, 44 स्टाफ बादे भर्ती हुआ ऑनसाइट, और गरीब मजदूर बाहर कर दिया। कोशिश किया बहुत बार, 3-4 बार मैं खुद फ़ोन किया, एक बात उसकी याद कराया पिताजी का बात रक्षा किया मैंने, वे करो नहीं किया। कुछ काउंसलर क्या क्या बोलता है वो कमज नहीं करूँगा, गरीब को मार के किसी को दोषराप करके कि बचेगा क्या धरती में। उस बारे में कल बात रात हुआ सी एस साहब से, 14 अगस्त महीने में म्यूनिसिपल काउंसिल मीटिंग होगा, मीटिंग में रहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन का सीनियर आई एस ऑफिसर एंड म्यूनिसिपल सेक्रेटरी, मैं भी जाऊंगा, हमारे एडवाइज़र को कोशिश करूंगा चर्चा करके दोबारा 27 मजदूर को लिया जाए। जिस तरह से निकल के आप जो साजिश बनाया था, मैं फिर कहता हूँ म्यूनिसिपल काउंसिलर्स, आपको गरीब लोग वोट दिया, गरीब के लिए आप काउंसिलर बना, हम एमपी बना सिर्फ गरीब लोग के लिए, क्या बोला, हर पार्टी का आइडियोलॉजी गरीब को बचाओ, गरीब को आगे बढ़ाओ, ये दोनों आँखी दोनों मुख अलग अलग मत करो, अनुरोध है, ये जनता को छोड़ देगा, अब जनता के बीच में नहीं रहेगा, क्या बोला, जो बात मुझे बोलता है भी डाइजेस्ट नहीं होता है, कि मैं डाइजेस्ट करने को व्यक्ति भी नहीं है, जिंदगी सात दिन चार ईमानदारी से चला है, हमारा घर पत्थर आ सकता है, दिखा मेरा घर पूरा दुनिया में मेरा घर कैसा है। इसलिए म्यूनिसिपल काउंसिल को पाप का करा मत भरो, समय बहुत कम है, म्यूनिसिपल काउंसिल कितने रुपये दिया, 1.93 करोड़ ओनली कुलदीप शर्मा, 5 साल कुलदीप क्या किया, बजट बुक पढ़ा भी नहीं, फाइनेंस पढ़ा भी नहीं है, बजट है 5,500 करोड़, हम लोग को 5,000 करोड़ तंका, 80 ऑफिसर आईएएस आईपीएस थानिक्स भारतीय डिपार्टमेंट में, रुपया दिया कितना हम लोग को, पूरा अंडमान डिपार्टमेंट 29 इंक्लूडिंग आईपीएनपी ऑल्सो, आपके डिपार्टमेंट से जुड़ता है, ऑल डिपार्टमेंट मिला के रुपया दिया 464 करोड़ ओनली। इसी में अभी एक प्रयास चल रहा है, बात चल रहा है कुछ कुछ फंड लाने के लिए, बाकी प्रयास भी कर रहा हूँ, मैं बात किया कुछ कुछ फंड आ रही नहीं बचेगा, सजेशन भी दिया कुछ काम सरेंडर कर दो, ऐसी बात जरूरत नहीं हो वो पैसा डाइवर्ट करो, रोड सेक्टर में बड़े सेक्टर्स में बहुत पैसे जरूरत है, इस बारे में बातचीत चल रही है, शायद एडमिशन सुनेगा, एडमिशन को लगा ये बात तो एडमिशन मानता है, ईमानदार व्यक्ति तो है वो, चोर नहीं है और अपने लिए कुछ मांगता भी नहीं है, इस बात को आप भी बताओ सब लोगों को, ये तरीका से कांग्रेस पार्टी चला, ये क्वेश्चन भी नहीं किया, नंबर 3 ये क्वेश्चन एडवाइजर ने बना के दिया लैंड कन्वर्शन के बारे में, बनाने के लिए बोले थे तो उसमें से एक क्वेश्चन था ये कन्वर्शन को लेके जो 2019 से बंद है, उसमें साहब ने क्वेश्चन पूछा है कि कब से बंद है, कौन सा कोई ऑर्डर है, कोई स्टैट्यूटरी ऑर्डर है या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है जिसकी वजह से बंद करके रखे हैं, अगर नहीं है तो एक एक साल में कितना केसेस रजिस्टर हुआ, कितना डिस्पोज ऑफ हुआ और क्यों पेंडिंग है और इसका जिम्मेदार कौन है पेंडेंसी का, अगर कोई ऑर्डर नहीं है तो बंद क्यों करके रखें, ये साहब ने पूछा है। और फिर और एक क्वेश्चन पूछे हैं जो वेजिटेबल प्रोडक्शन यहाँ में, जैसा वेजिटेबल का दाम अभी बहुत ज़्यादा है, हम लोग दिल्लीपुर से तो वेजिटेबल्स पहले आता था, कम कॉस्ट था, लेकिन अब आ भी नहीं रहा और कॉस्ट भी बहुत हाई हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत हाई हो गया, उसका मिर्ची है 1,000 रुपये हो गया अभी, पहले वो तो सब लोकली अवेलेबल है, वो मेनलैंड से नहीं आता, लेकिन 1,000 रुपये, ठीक है, उसका कारण है कि अचानक हम लोग DAP यूरिया बंद कर दिए, DAP और तो साहब पूछें कि ये किस कैसे बंद हुआ, कब बंद हुआ, क्यों बंद हुआ,
और इसका कालाबाजारी हो रहा है जो कि 8,000-9,000 रुपये में बेच रहा है, इसके लिए क्या किए हैं कालाबाजारी ना हो, क्योंकि फार्मर्स तो लेंगे ही लेंगे, उनको तो प्रोडक्शन करना है, लेकिन क्योंकि हाई कॉस्ट में ले रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है उनका, उसी लिए वेजिटेबल्स जैसा ये मिर्ची ले लो, ये तो ऑर्डिनरी ये है वेजिटेबल, तो उसका बारे में भी क्वेश्चन किए हैं और भी हैं जो 4-5 क्वेश्चन हैं, अभी आते रहेंगे एक के बाद एक। जो क्वेश्चन का आंसर दिया है ये सुनने में हमको आया, बोला मास्टर प्लान नया बनेगा, एक मास्टर प्लान पानी बनाया उसमें नहीं हुआ, और मास्टर प्लान बनेगा तो आप कंसिडर करें। एलजी साहब ऐसा सजेशन मत दो, मास्टर प्लान का बहाना मत मारना, ये कैसे बोलता बिना पूछ के एमपी को जनता को, मास्टर प्लान का नाम पर बहाना में इनकम्बेंट नहीं करेगा, नोटरी डेवलप कैसे करेगा, दीप सिंह का लोग क्यों कन्वर्ट नहीं कर सकता है। ये आप जो दिया रिपोर्ट ना, मुझे ऐसा काम करने मत दो, इसके बदनामी आपको कंधे में आएगा, मैं आपको आंगुल दिखा के बोलता हूँ, मैं मजबूर बोलने के लिए आज दिल्ली भवन में जो व्यक्ति बैठा है टीयर्स के पोस्ट पर, वो व्यक्ति मजदूरों से मैंने मुझे नहीं दिया, तनख्वाह था 17,000 दिया 8,000-9,000, कुक को 20,000 दिया 10-12,000, बैंक ट्रांजेक्शन से बकरी पे क्यों मार दिया आप, मुझे एक्ट तो हाई वीडियो तो है, अंडमान में दिल्ली में भी है, करीब 1 करोड़ रुपए का आरोप है, एलजी पत्र दिया नो एक्शन, चुप क्यों, कारण क्या, वो व्यक्ति इतना वही व्यक्ति को ट्रांसफर हुआ था अक्षरद्वीप में, क्यों आप ले के आया, कारण क्या है। निशाब मैं आपको चाहता नहीं पार्लियामेंट मुंह खोलने के लिए, मैं पूछ सकता है पक्का, ऐसा मुझे मजबूर मत करो, अंडमान को तंग मत करो, मनोज करूँगा नहीं कर सकता निकल जाओ, जरूरत करो निकले आपको लैंड कन्वर्शन के लिए, मास्टर प्लान फिर बनाएगा, एक बार बनाया कुछ नहीं हुआ गलती हो गया फिर बनाएगा तो लैंड कन्वर्शन होगा, बच्चा लोग चुप रहेगा क्या, हमारा लोग लैंड कमर्शियल बनेगा, होटल बनेगा, लॉज बनेगा, दीप समूह बंद कर देगा आप, ये सब बहाना मात करना, ये सब मात करना प्लीज, मानना मान एक बार जनता मुझे चुना है, इलेक्टेड बाय जनता पब्लिक एस पार्लियामेंट, उसको चैलेंज मत करो आप, उल्टा मात दो आप, फिर बोलता हूँ देखो ये सब लास्ट सुनेगा जानेगा, दीप समूह किया इसका विरोध करके जानता नहीं मैं, होने से आप रिस्पॉन्सिबल बनेगा, आप रिस्पॉन्सिबल बनेगा, आज एम्स मेडिकल एम्स कॉलेज आप चेयरमैन है, एक बार मेडिकल कॉलेज गया, मैं पूछता हूँ आपको पूछा, मैं खोल के बोल सकता हूँ मेडिकल में क्या क्या नहीं है, सब स्टडी कर लिया, मैं पूरा थर्ड पर्सन कर लिया, डिपार्टमेंट कितना कितना पोस्ट है क्या है, कुछ नहीं है, हॉलो बिग हॉलो है, बिग हॉलो सब मेरे रिकॉर्ड सर, मैं खोलने नहीं मांगता, डिपार्टमेंट नाम को वास्ते है मेडिसिन डिपार्टमेंट्स 8 मंगता एक भी नहीं है, वो जा रहा है पानी, एक डिपार्टमेंट मेडिसिन 8 फैकल्टी एक अभी जा रहा है, ओपीडी देखना, पेशेंट देखना, बच्चों को पढ़ाना, ये एनिम्स कॉलेज अब चेयरमैन है क्या बताओ, 8 मेडिसिन डॉक्टर मांगता, रेजिडेंट कमिश्नर मांगता, कुछ नहीं है, या मैं आज पोल खोलना चाहता नहीं। एल जी साहब पार्लियामेंट बोलेगा तो लोग अंडमान निकोबार को अपमान करेगा, बदनामी करेगा मोदी गवर्नमेंट, इससे स्पष्ट आप आए एल जी साहब आए, पक्का बोलता हूँ, आप मोदी को तंग मार देगा, चुपचाप बैठे रहा, हम शाम को 6 बजे मिलने गए एल जी साहब को, दौरा जबान सो गया बोलता हूँ, पत्र एड सी को दिया, एक लेडी शर्मा की चोट लगा पाँव में, 3 लाख मंगा, 3 लाख दिया, चिट्ठी एडीसी को दिया, जैसे हमको एडीसी जॉब बोलते हैं एमपी साहब, एलजी को लिखा, आज तक 3 लाख में नहीं दिया, आप ट्रीटमेंट फ्री कैसे कराता है, मैं मेरे पास और भी न्यूज़ है, मैं तो
मुझे तो पॉलिटिशियन नहीं है, उन दिन पोल खोल देगा तो क्या बताओ। आप सब कुछ कर सकते हैं, आप मिलन जाएगा, आपका ट्रीटमेंट हाई फाई में करेगा, या डॉक्टर आएगा देख लेगा, आपको देखभाल करने के लोग बहुत है, और गरीब व्यक्ति कहाँ जाएगा बताओ। बोलो आप चेयरमैन एनिम्स 10 साल हो गया, नया गांव में क्वार्टर बनाया, वो क्वार्टर को ऑक्यूपाई कर लिया, आइए धनिक्स पैसे कहाँ गया एनिम्स का। इसलिए एनिम्स को मैं खो देगा पूरा आके, एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो मांगेगा गवर्नमेंट देना पड़ेगा, रूल लॉ है, सब निकालेगा रखेगा जनता के सामने में। ये आपका पीरियड में, आपका समय काल में बीइंग ए चेयरमैन ऑफ एनिम्स मेडिकल कॉलेज आपने क्या किया बताओ। पब्लिक हियरिंग बंद कर दिया, मुझे पहले बार गया, सब करेंगे भी सब पब्लिक हियरिंग करेंगे, ये भी क्यों नहीं किया। कोई गांव में गया, कुछ जगह नहीं गया, ये आपको सुबह देता नहीं। मैं कितने लेफ्टिनेंट गवर्नर देखा, सब गवर्नर हियरिंग करता है, आप छोड़ के आपको ऊपर आज ये बहाना मारता है जो अंडमान जमीन को हम कन्वर्शन नहीं करेगा, बड़ा मास्टर प्लान बनेगा अंडर पॉपुलेशन मास्टर प्लान। अगर सेकेंड मैं अनुरोध करूँगा अली साहब, आपने को ठीक जगह में लाओ, जनसेवा में लगाओ। आप कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, जनता का नौकर है, दोनों नौकर है जनता का। मोदी बोलता मैं सेवा करूँ तो आप तुझसे बड़ा नहीं है। सोचो एक बार, पूछो आत्मा को, आपका धर्मपत्नी बहुत अच्छी बहुत अच्छी बहुत अच्छे मैं बोलता हूँ, वो अच्छी माँ है। मिला उससे एयरपोर्ट, मिलता उसके साथ में, देखो आपके साथ चलने मांगता हूँ, सच बोलता हूँ। जनता मांगता नहीं आपको, एक प्योर 100% लोग पूछो आपको नहीं मांगता कोई। मैं फिर बोलता हूँ, आप करो प्लीज सोचो, ऊपर से नीचे को देखा जाए, घूम के आओ। ATM में हालत देखा आप, क्या हालत है प्यार, अब घूम के ATM नहीं गया हो तो क्या, एक बार गार गए जाएंगे देखते ATM हालत क्या है। आपका हालत देखो पोर्ट ब्लेयर का क्या हालत है, पैसा नहीं, 460 करोड़ में क्या काम करेंगे बताओ। बोलो आप तो आप चेयरमैन हैं, बड़ा कमेटी का लीडर है आप, अब क्यों नहीं बोला 5 साल में ये क्या हम एक फसल क्या करेगा 460 करोड़, 5 साल क्या किया बताओ। हमको नीति आयोग में गया, कौन आयोग में गया, किससे किससे मुलाकात किया, क्यों नहीं बोला पैसा नहीं 460 करोड़ दिया, 5 साल क्यों दिया बताओ, आप जवाब दो। अभी चीफ ऑफ द अंडमान वायलेंस बताओ, 460 करोड़ डेवलपमेंट होगा, डिपेंड 29 म्यूनसिपल 1.93 करोड़, PRI 4.6 करोड़ ओनली। एक क्वेश्चन इतना आपको पर आएगा पूछो मत, और मुझे दिमाग में आता है थोड़ा बहुत, तो एडवाइजर मिल गया, अच्छा लोग मिल गया, इतना क्वेश्चन बनेगा, एडमिशन तो हैकल्ड होगा ही होगा, परिणाम क्या होगा, वो लोग मजबूर में गुल्लू बच्चे लोग का सामने आएगा जो पियरी काम नहीं किया। दर्द बड़ी देखा कहा नहीं आप, CS मौत देखता है, अभी CS उनसे बात करता है, भटक करता है, RT जा रहा है सॉल्व करने के लिए, RT जा रहा है, टूटने जा रहा है UC निकालने के लिए, UC आता नहीं, क्यों नहीं आता पूछा कभी जिंदगी में आप। अभी सेक्रेटरी CS ने बोला सेक्रेटरी RT टाटा जा रहा है, CS मीटिंग करता है मोदी प्रधान वो बताए UC के पार रहते हुए, हमारा फन पर रहेगा, वो गांव में रास्ता नहीं बनेगा। और पूछता राज्य बस में आम को CS साहब सामने बाकी लोग थे, प्रधान लोग को लेके गया था, बोला अंडमान हाईएस्ट सोर्स है ऑल इंडिया बेसिस में, तो मैं बोलूँ ना, बोलिए अंडमान मैं नहीं बैठा, आपने बैठा, बैठा नहीं पंडित नेहरू ने लेके आया सेटलर, गांव गांव दूध बैठा दिया, उसका रास्ता कौन बनाएगा, बना क्या है नेहरू जी, बना क्या मोदी जी आया, आप बोलता नहीं बनाएगा, क्या आपने बोला इन फ्रंट ऑफ IAS ऑफिसर्स इन फ्रंट ऑफ प्रधान स्वानंद बैरागी सुजीत बाला आदि सामने, बारह के बोल इतना गुस्सा पूछो मत लोगों को, प्रधान को तो फंड नहीं देगा, बोलता आप फंड लेकर मैं फंड दूंगा, तो मैं लेकर आपको पढ़ने की क्या जरूरत है, वो मुस्तल साहब जी साहब जो आप देना कहेंगे। मैं कल मिलने मांगता था एक इशू में, ईमेल किया नहीं मिलता, क्यों कारण क्या है, कारण क्या बताओ हमको, हम जबरदस्ती जाएगा क्या करेगा, तब तलब कर देता, पहले तो बहुत अपमान किया, ये मत करो, फिर बोलता मत करो। देखो मैं घुस सकता हूँ आपके दरबार में,
या खड़ा हो जाएगा, नहीं देगा बैठ जाएगा, मुझे क्या करना है, डेमोक्रेसी है। मीडिया आएगा बोलेगा एमपी पैसा मांगेगा 3 लाख को परिवार के लिए, वो एमपी ये घुसे दे रहे थे, दुनिया में क्या पीछे जाएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाम पर। एक एक बड़ा डिफेंस का तकमा क्या बोलेगा बताओ, बोलो आप 3 लाख देगा नहीं माँ को, अंडमान धरती की बेटी, उसको पाँव कंसर काट जाएगा, उसको टाइम नहीं मिलने के लिए, टाइम नहीं मिलने के लिए। ये पीड़ादायक मत करो। और मैं फिर कहता हूँ जो पार्लियामेंट क्वेश्चन दिया उसको वापस करो, ठीक करो। ये पार्लियामेंट क्वेश्चन प्रिंट तो होगा, हाथ में मिलेगा, ऐसा व्यक्ति मेरा बगल में बैठा है आपको कानून सिखा देगा, लॉ 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 लैंड लॉ सिखा देगा पूरे रहता है। ये लैंड लॉ का मास्टर है, इन्होंने छोड़ा एलजी के वजह से, सीएस के वजह से। नया गाँव में एक एलजी आया था, एक सिंह, क्या बिल्डिंग बनाया, हो गया बस खत्म। क्वार्टर में कौन बैठा है, दानिक्स मेडिकल कॉलेज, ये आपका परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस आपका। आज एक ओपिनियन पोल लो ना, ये आपका कितना परफॉर्मेंस है, मेरा परफॉर्मेंस पूछो कितना, तुमने क्या परफॉर्मेंस आ जाए। फिर कहा था जी साहब सोचो, सरकार मोदी जी रखा आपको, हमेशा रखा देश के काम करने के लिए, हम दोनों से मेरा प्रेमी भी है, श्रद्धा भी है, रिस्पेक्ट भी है। अंडामान पुकारेगा दिल से, हमको रोएगा, बच्चे लोग बोलेगा मैं क्या जवाब दे बोलिए, वो अंतर करना परमानेंट, ये हमने वादा किया, मैंने पार्टी में रिपोर्ट है, हमने पानी देंगे वादा किया, हमने बिजली देंगे वादा किया, तो आपको उसको मन नहीं है ना, अब काम कराओ। मोदी गवर्नमेंट बीजेपी का मैंने स्टाम मारा, आपको काम करना है, वो जनता का विकास का काम है, एक काम आपको करना ही है। आपको मैं बोलता हूँ, मैं फिर बोलता हूँ अली साहब आप नीचे आओ, मैं घूम के देख के आ जाओ क्या हालत है, इतने मुझे बोलना जाहिर। जैसा जीवन में जो भी होता है, हम लोग अगर वहाँ का जो भी न्यूज बनाते हैं, लेकिन उसके बाद जो है कहीं ना कहीं हम ही पर जो है मतलब कार्रवाई होती है, और जो है जीवन के द्वारा और खासकर के द्वारा जो है मीडिया को टारगेट किया जाता है, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है। मैं एक बात कहूँ, आप स्ट्रॉन्ग इतना जबरदस्त मीडिया है, सुनो जो चाहे करो, किसी को अधिकार नहीं कृष्ण रुकने के लिए, अधिकार हमारा भी नहीं, पीएम को नहीं, किसी को नहीं। मीडिया इंडिपेंडेंट, डेल्टा जगह मजबूरी है, क्या बोला डेल्टा जगह मजबूरी हो, छापेगा नहीं जानता मैं भी है, आजकल छापता है कुछ कारण से, छापता है क्या बोला, छापता है कुछ कारण से, वो कारण क्या जानता नहीं मैं, क्या बोला वो जानता होगा। उस दिन कदम तला का जो इंसिडेंट हुआ था वो मैटर में आपने भी कहा था, हमने भी न्यूज़ बनाया, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं जैसा सर मैंने ही न्यूज़ बनाया था, तो मेरे नाम को ही लेकर जो है एनिम द्वारा जो है कुछ सीएस साहब को जो है कुछ लेटर भी दिया गया, और कुछ जो है कुछ पेड़ पत्रकार लोग जो है वो हमारे न्यूज़ को लेकर जो है टिप्पणी कर रहे हैं, और आप समझ गए होंगे हम किसके बारे में कह रहे हैं। भैया जिसको पत्थर फेंकता वो पेड़ बड़ा होने वाला है, आप इसलिए पत्थर फेंकता, जिसको पत्थर फेंकता ना पेड़ छोटा है, पेड़ बहुत बड़ा होगा, वो आप है, समझ लो उसको, समझ लो उसको, समझ लो। आप क्या करना, आप करते रहो आपका जिम्मेदारी काम, क्यों करना पत्रकारिता का जो काम वो करना, वो तो मीडिया है, आईना है देश का, क्या बोला क्यों रुकेगा। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।